कासगंज की पुलिस इस बात को लेकर पहले ही सवालों के घेरे में है कि आखिरकार 29 इंच के पाइप से अल्ताफ ने फांसी कैसे लगाई। इसके साथ साथ एक और नया खुलासा ये हुआ है कि अल्ताफ ने लगभग 2:30 बजे के आसपास फांसी लगाई, जैसा कि पुलिस अधिकारियों का कहना है, और उसके बाद 4 बजे उसके खिलाफ FIR दर्ज की, यानी कि 1.5 घंटे तक अल्ताफ कहाँ रहा और साथ ही साथ उसकी मौत के बाद FIR क्यों दर्ज की गई, इस बात को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब पुलिस अधिकारियों की ओर से नहीं दिया गया है। परिजनों की मांग पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब कासगंज पुलिस को देना है, जो नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त मैं कासगंज की कोतवाली में हूँ, यहाँ के पुलिस अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की और ये जानने की समझने की कोशिश की कि आखिरकार जब उसने 2:30 बजे फांसी लगाई थी तो उसके बाद 4 बजे FIR क्यों दर्ज की गई, यानी कि अल्ताफ की मौत के बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की जो नई कहानी पुलिस की ओर से बनाई गई है वो समझ से परे है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी। ABP News, आपको रखे आगे।